बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम कहीं पर भी अभी काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन घर पर रहकर ही प्रिपरेशन करते हैं, पर फिर भी उतने घंटे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है जितनी और लोग करते हैं या जितने और लोगों के कंपैरिजन में होनी चाहिए। तो कितने घंटे एक्चुअल में पढ़ना चाहिए या क्या एक आइडियल रूटीन होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा घंटे अपनी पढ़ाई में दे पाएँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप अगर वर्किंग नहीं हैं कहीं पर, आप ऐसे बिजी नहीं हैं, ऑक्यूपाइड नहीं हैं एंड आपके पास फुल टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो जितने घंटे आप दे पाएँ आपको देना चाहिए रेस्ट के साथ, प्रॉपर ब्रेक के साथ, सो दैट आपका बर्नआउट ना हो। द मोर इट इज़ द बेटर इट इज़, ये एक नॉर्मल चीज़ है। फिर भी एक मोटा मोटे तौर पे अगर देखा जाए, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट है, कोई इंसान रात में पढ़ता है, कोई इंसान सुबह पढ़ता है, बट बिकॉज आपका एग्ज़ाम सुबह की साइकिल में होगा, 9:30 से 11:30, देन आपका एक एग्ज़ाम 1 घंटे का हिंदी का दोपहर में होगा, सो आपको अपनी जो साइकिल है वो 2-2.5 महीना पहले से एटलीस्ट इस हिसाब से रखनी चाहिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम जिस टाइम फ्रेम पर हो उस टाइम पर आपका दिमाग एक्टिव हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपका एग्ज़ाम सर्दी में होगा तो उस टाइप से आपको थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि हाँ, अगर आपका जैसे सेंटर दूर पड़ता है या घर आपका थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे है, कहीं शहर के थोड़ा बाहर है, तो उस हिसाब से अपना मैनेज करके चलिए पहले से कि हाँ मुझे इतना टाइम लगेगा, ऐसा रहेगा, तो आप लास्ट टाइम के लिए चीज़ें ना रखें। तो वो सब चीज़ें पहले से प्रिपरेशन में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जनरली आप 6 से 7 बजे अगर उठते हैं, अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिए, 6 से 7 बजे नॉर्मली उठना एक ठीक टाइम होता है, थोड़ा बहुत सर्दी भी होती है उसके हिसाब से भी। हाफ़ एन आवर में आपको जो भी अपना एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, देन 30 मिनट पूरा आपको इसमें लगा, 1 घंटे में सब कुछ करके जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए। अगर आप 7 बजे उठते हो तो 1 घंटे के बाद आप 8 बजे, और अगर आप 6 बजे उठते हो तो आपको 7 बजे एकदम फ्री हो जाना चाहिए एंड पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। अब उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि शेड्यूल बनाना है अपना, वो आपने एक रात पहले ही डिसाइड कर लिया होगा, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने किसी पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे या कहीं पर एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज के मेरे ये टास्क हैं, ये टारगेट्स हैं एंड आई हैव टू फुलफिल देम। अब वहां पे सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जो भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, आप पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं एंड आपको प्रॉब्लम होती है, तो उन फैक्ट्स को आपको सबसे पहले तैयार करना है, आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपने पुराने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज़ करिए और जो नए वाले हैं उनको आप तैयार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है RO-RO 2023 के प्रिलिम्स को निकालने के लिए, बिकॉज यहाँ पर फैक्ट लोड बहुत होता है और फैक्ट्स में अगर आप घूम गए तो फिर आपका पेपर भी घूम जाएगा। इसलिए आपको फैक्ट्स को तैयार करना है सुबह की साइकिल में, आपकी एनर्जी हाई होती है, आपका फोकस हाई होता है, कंसंट्रेट आप बेटर वे में कर पाओगे एंड आपको यहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। देन आपने 8:30 से 9:30 बजे तक रिवीजन किया, जो भी आपने पुराना पढ़ा रखा है, जो भी आपने पिछले 1-2 दिन 4 दिन में पढ़ा है या जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आपको रिवाइज करना चाहिए, वो आपने 8:30 से 9:30 के बीच में 1 घंटे रिवाइज किया। अब यहां पर ध्यान देना, आप 8 से 8:30 के बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर सकते हो या जो भी आपके थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, हल्का फुल्का आपने 5 मिनट फोन चला लिया, बट उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रील देखने बैठ गए, शॉर्ट्स देखने बैठ गए, फिर आप किसी का मोटिवेशनल वीडियो ऐसा देख रहे हो जिसमें उसने सिर्फ ये दिखाया है कि अरे SDM की गाड़ी ऐसी होती है, RO-RO की जो समीक्षाधिकारी है उसको ये होता है, उसको वो होता है, सब सपने नहीं देखने, सब डे ड्रीमिंग मत करना, वरना पढ़ाई तो रह जाएगी और बाकी चीज़ें सब हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो इस तरीके के वीडियो होते हैं इसमें समीक्षाधिकारी की पावर दिखाई गई होती है, गाड़ी दिखाई गई होती है, फॉर्चुनर होगी काली, उसमें उसने पीछे लिखवा रखा होगा उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी, जैसे कि वो पूरे कमिश्नर हो पूरे उत्तर प्रदेश का, तो उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको अपनी काम की कोई 2-5 मिनट की कोई चीज़ है, कोई बहुत अच्छा वीडियो 5 मिनट में उसको देख लिया, 10 मिनट में देख लिया, तो इस तरह की कोई अपनी चीज़ की, वरना अपना थोड़ा सा बस ब्रेक लो, रेस्ट करो, जो पढ़ा है उसे रिकॉल करो। आधे घंटे के ब्रेक के बाद 8:30 से 9:30 पे आपने ये काम कर लिया, देन 15 मिनट का या आधे घंटे का अपने हिसाब से आपने फिर से एक ब्रेक लिया। जब आप 9:30 तक यहाँ पढ़ लोगे, 1 घंटा रिविजन कर लोगे, तो 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद में 10 से 12 2 घंटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी के आसपास पड़ता है, आपको एक्चुअल में कुछ नया पढ़ना है जिसमें आपका प्रॉपर दिमाग पर जोर पड़े, प्रेशर पड़े उस पर, आप स्ट्रेस को झेल पाओ उन 2 घंटों में, तो यहाँ पर आपको पूरी दम लगा करके 2 घंटे देने हैं। और इसमें आपको ट्राई ये करना है कि इसमें आप एक्चुअल में 2 घंटे बैठो, वैसे तो आपको स्लॉट्स में बैठना है कि आपने 20 मिनट पढ़ा, आधे घंटे पढ़ा, फिर आपने 5-10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 20 मिनट आधे घंटे पढ़ा, बट यहाँ पर आपको 2 घंटे लगातार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे घर पर नहीं बैठ पा रहे हो तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पर अभी आपको मजाक लगेगा लेकिन एक्चुअल में जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप जानते हो कि आप 2 घंटे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, और 2 घंटे जब पेपर देकर निकलते हो तो आपको लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने खुला छोड़ दिया है, बहुत आज़ादी मिल गई। क्यों? क्योंकि आपकी आदत नहीं थी 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की, या क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन पढ़ने की, सॉल्व करने की। तो 2 घंटे आपका दिमाग पीक परफॉर्मेंस दे पाए, इसलिए आपको यहाँ पर 2 घंटे पढ़ना है। आधे घंटे का फिर से ब्रेक लो, 12:30 से 1:30 बजे तक या 1:30 बजे तक, जो भी आप इसको बोलो, आगे का जो भी प्लान है उसको देखो, जो भी आपने बना रखा है कि मुझे शाम को या रात को ये करना था, तो पहले से आपने जो प्लान कर रखा था वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है 1 घंटे, जिसमें आपकी नॉर्मल एनर्जी हो। उसके बाद में 1:30 से 2:30 के बीच में आप आराम से लंच करो, कोई टेंशन नहीं है, इस बीच में आपको कोई पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, कोई ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि आपका सिलेबस कितना पूरा हुआ है कितना नहीं हुआ है, 1 घंटे बिल्कुल रिलैक्स, खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ,
अच्छा खाना खाओ, उसमें भी ध्यान रखो, ये नहीं कि जंक खा रहे हो, रोज़ रोज़ तला भुना एंड ऑयली एंड जो भी सेचूरेटेड फैट है वो सब आप ले रहे हो, तो ये सब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए फूड के बारे में भी। आप लोग सब लोग मैच्योर हो, समझदार हो, तो थोड़ा सा अच्छा खाना खाओ, ध्यान रखो, हल्का खाओ, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना है। एंड उसके बाद में 2:30 से 3 या 3:30 तक आराम से रेस्ट करो, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपने खाना खाया उसके बाद में एकदम से फिर से आप लग गए। थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा ब्रेक लो, दिमाग को भी शांत होने दो, जो भी आपने सुबह से मेहनत की है 4, 4.5 घंटे, 5 घंटे, तो उसको दिमाग में स्टेबल होने दो। उसके बाद में फिर 3:30 से 5, ये जो 1.5 घंटा है इसमें आपको एक्चुअल मेहनत करनी है। ये जो 1.5 घंटा आपका होगा ये बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि यहाँ से ही डिसाइड होगा कि आप शाम का जो पूरे दिन में जो अगले 12 घंटे हैं उसमें आप कितना बेटर कर पा रहे हो। इसके बाद में फिर जो 5 से 6 बजे का टाइम है इसमें आपको फिर से ब्रेक लेना है, इसमें आप चाय वगैरह पी सकते हो, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो 5 बजे ही आपको धीरे 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 देखने को मिलने लगेगा, काफ़ी शाम हो जाती है। सो 5 से 6 के बीच में आप ब्रेक लो, चाय वगैरह पियो, कॉफ़ी वगैरह पियो, जो जो आपको सूट करता है अपने हिसाब से देख लो। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें जो चाय की टपरी होती है, जो आप गली मोहल्ले में या मोहल्ले में जो शॉप होती है जहाँ पर आप इलायची की चाय पीने जाते हो 15 रुपये की 12 रुपये की, जहाँ पर भी आप जाते हो, वो मत करना। 10-15 दिन में या महीने में कभी एक बार आप गए, 10-15 मिनट आपने वहाँ पर चाय वगैरह पी, किसी दोस्त के साथ आपने बात कर ली, या आपने यू नो 10-15 मिनट कुछ कर लिया, दैट इज़ अनदर केस, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है चलो बात कर ली, मिल ली है, चाय पी ली, बट ये नहीं होना चाहिए कि ये आपका पैटर्न बन जाए और आप पैटर्न को इस तरह से जस्टिफाई करो कि पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ेंगे या 8 घंटे पढ़ेंगे और शाम को जा करके 1 घंटे चाय पियेंगे, गप करेंगे, गॉसिप करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और उसमें आप वो बातें डिस्कस कर रहे हो जिसकी आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड करने वाली नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ेगी। एक बार सेट हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, दबा के जो चीज़ें आपको करनी है, अच्छा पैसा कमा लो, अच्छा लाइफ में अचीव कर लो, जो जो करना है, जो आपके टारगेट्स हैं वो अचीव कर लो, उसके बाद आराम से बैठ करके पूरे दिन यही करना, कोई आपको पूछने नहीं आएगा। बट उन चीज़ों को अवेल करने के लिए जो टफ टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है, उसकी वैल्यू समझो। एंड ये जो आदत होती है ना, ये बहुत हर्ट करती है आपकी प्रिपरेशन को, क्योंकि आप जितना पूरे दिन में पढ़ के गए हो वो आपका शाम को बेकार हो जाता है और आपको आपका दिमाग आपको ऐसा सिग्नल देगा कि आपने 6 घंटे सुबह से पढ़ लिया है तो यू नीड ब्रेक। तो ब्रेक को ब्रेक की तरह लीजिए, ब्रेक को आपको इस तरह से नहीं लेना है कि आपने चाय पीने के बहाने 1 घंटे लगा दिया और फिर आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, फिर 4 तरीके की वो चीज़ें बता रहे हैं, 4 तरीके की चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, तो उससे क्या कि आपकी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो बर्बाद होती है, वेस्ट होती है। तो इसलिए आपको अपना दिमाग शांत रखना है। तो ये जो चाय वाली जो ये चक्कर होता है ना, 1 घंटे वाला जो चर्चा होती है चाय पे, ये आपको नहीं करनी है, ना ही आपको वीडियो कॉल 1-1 घंटे करनी है। और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, और भाई तुम बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ क्या चल रहा है, बस ये जो साइकिल है ना इसको खत्म कर दो, इससे बहुत नुकसान होता है। एंड ये मैं दोनों केस में बता रहा हूँ, भाई के साथ साथ बहन भी, पता लगा आपने वीडियो कॉल मिला लिया, अब आप 1 घंटे तक वही चल रहा है और तुमने कितना कर लिया कितना नहीं किया, फिर वो उसको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो उसको बता रहा है, वो उसको अपनी मोटिवेशन जो है वो वीकनेस वाली बता रहा है कि भाई मेरा तो तैयारी नहीं है, भाई मेरी तो ये चीज़ तैयार हो गई है, अब आपने उसका सुना, आप इनसिक्योर हो गए कि अरे इसने तो इतना खत्म कर लिया है। अगर उसने बोल दिया यार मैंने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं है, उसने कहा हाँ भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है यार, पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रही यार, दिन यार निकलते जा रहे हैं, सोचा था पॉलिटी खत्म कर लेंगे, फिर यार बीच में तबियत खराब हो गई, फिर यार अभी दिल्ली जाना पड़ गया था, फिर यार अभी बुलंदशहर से जस्ट अभी वापस आए हैं, अब 4 दिन तो इसमें वेस्ट हो गए, अब देखते हैं यार और तुम बताओ क्या चल रहा है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इससे क्या होता है आपका टाइम अनकॉन्शियसली आप वेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप बात मत करो, बात करो, बट बात का भी एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि आप क्या बातें कर रहे हो एंड उस बातों से, उन बातों से आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। अच्छी बातें आपको करनी है करो, सीखनी है कोई चीज़ सीखो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप स्टडी हेल्प्स, या आपने जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपकी सहेली वगैरह हैं, आप उनसे आप बात करिए, हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उनसे पूछिए कि भाई आपने ये कैसे किया है, प्लीज़ यार बताइए, बताओ, जो भी यू नो आपकी फीमेल फ्रेंड है उससे पूछो कि यार तुमने कैसे किया है, कैसे कर पा रही हो, मुझे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसका कोई और तरीका है जिससे इसको स्मार्ट वे में, कम समय में इस चीज़ को बेटर वे में तैयार किया जा सके। तो वो आपको बताएगी, अगर आपकी अच्छी दोस्त होगी तो डेफिनेटली शेयर करेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि मैंने इसको बता दिया तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं घर में बैठी रहूँगी, वो ऐसा नहीं सोचेगी। अच्छी फ्रेंड होगी तो शी विल हेल्प यू आउट। एंड ये लड़कों के साथ भी होता है, अच्छा आपका फ्रेंड होगा तो वो आपको हर चीज़ खोल के बताएगा कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा था, उन सर से पढ़ा था, या वो नोट्स थे वो अच्छे थे, वहाँ पे मैंने वो टेस्ट लगाया था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो आपको कोई भी अपनी चीज़ जो उसने की है वो थोपेगा नहीं बट शेयर करेगा। तो उससे क्या है कि अगर आप दिमागदार हो तो आप उससे एक इनपुट ले सकते हो कि हाँ इसने मुझे ये चीज़ बताई है, उसके बाद में आप एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट कर सकते हो। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये एक्चुअल में प्रिपरेशन में या तो आपकी वैल्यू ऐड करा देंगी या फिर आपको नीचे डुबा देंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो फ्रेंडशिप है, जो चीज़ें हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखना है। मैं नहीं कह रहा कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी है, इट्स जस्ट कि आपको फिक्स करना आना चाहिए। वो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आपने ये 1 घंटा यहाँ पे जो है इसमें ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद में 6 से 7 फिर से पढ़ो, क्योंकि 6 के बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस टाइम पर बहुत शोर होता है समथिंग, 6 से 7 आप आराम से 1 घंटा पढ़ सकते हो, इसमें भी कायदे से पढ़ो।
उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे जो आपने ब्रेक लिया था चाय वाय वाला, उसमें आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी एक दो टीचर आपने देख रखे हैं या जिनके भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो, उस ब्रेक में वो वीडियोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद में 6 से 7 आपने पढ़ा, 7 से 9 के बाद में आराम से फिर से ब्रेक लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि लगातार एकदम लगे हुए हैं, ब्रेक लो। इसमें आप अच्छा खाना खाओ, रात में भी वही आपको करना है कि हल्का खाना खाना है, लेकिन ध्यान देना है कि हाँ एक्चुअल में न्यूट्रिशन आपको जिससे मिले वो खाना है, सो दैट आपने पूरे दिन जो इतना पढ़ाई की है, जो इतना दिमाग खर्च हुआ है आपका, जो एनर्जी आपकी खर्च हुई है, तो वो आप एक्चुअल में ले पाओ बट क्वालिटी फूड से। तो वो आपको ध्यान रखना है, 2 घंटे आराम से खाना वाना खाओ हल्का फुल्का, अगर आपको कोई मैगजीन पढ़नी है, कोई वीडियो वीडियो देखना है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे वीडियोज़ आए उस टाइम पर आपने खाना खाते खाते वीडियोज़ लगा लिए देख लिया, या उसके बाद में भी आपने थोड़ा कुछ नोट्स वोट्स बनाने हैं, कोई चीज़ नोट करनी है तो खाना खा लिया, उसके बाद में वीडियो देख करके नोट्स बना लिए, तो इस तरह से आपने अपने टाइम को शेड्यूल किया। 9 से 11 के बीच में फिर से पढ़ो, 2 घंटे होंगे, इस टाइम पर आपकी एनर्जी बहुत हाई नहीं होगी, तो कोई भी ऐसी चीज़ मत उठाना जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगना होता है या एनर्जी चाहिए होती है, कोई ऐसी चीज उठाओ जो कंपैरेटिवली इजी है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि 9 से 11 इस टाइम पर आप हिंदी पढ़ो। हिंदी में क्या है कि आपने कुछ कुछ चीजें जैसे पढ़ रखी हैं, जैसे आपने अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रखे हैं या आपने तत्सम तद्भव पढ़ रखे हैं या जो भी आपने पढ़ रखा है, अगर आपको ईजी लगता है कि हाँ पर्यायवाची मुझे ईजी लग रहा है, तो आपने उस टाइम पर 15-20 पर्यायवाची पढ़ लिए, जो पुराने आपने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज कर लिया, तो यहां पर आप हिंदी को रिवाइज करके 2 घंटे की लीड ले सकते हो। और होगा क्या पता है, जब 9 से 11 2 घंटे आप पढ़ लोगे, अब 9 से 11 का मतलब अगर आप 1.5-2 घंटे भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उससे क्या होगा कि जब आप सो गए तो आपको ये नहीं लगेगा कि आज आपने पढ़ाई नहीं की, आपका जो मोटिवेशन है वो हाई रहेगा, आपको अच्छा फील होगा खुद को लेकर कि नहीं यार तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो रोज़ आपसे कोई पूछने नहीं आएगा, कोई आपसे मैं भी नहीं आऊँगा, कोई नहीं आएगा, फैमिली वाले भी यू नो हर किसी के घर में आपसे नहीं कोई बोलेगा कि हाँ सरिता तुमने पढ़ाई की या नहीं की, या राकेश तुम पढ़ रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, रोज़ आपके घर से फ़ोन भी नहीं आएगा, कोई आपको इतना यू नो ट्रैक करने के लिए नहीं बैठा होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से खुद से जानते हो कि जितने दिन में आप पढ़ाई कर सकते थे या जितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे सकते थे उतना आपने दिया या नहीं दिया। तो जब आप दोगे उस दिन रात में सोने के पहले यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि हाँ यार आज मैंने मेहनत की है, आज मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली, आज मैं अपनी चीज़ों में सुधार कर पाया, आज मैं अपनी जो वीकनेस थी उन पर काम कर पाया, ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट था, ये मैं आज जान पाया बिकॉज मैंने यहाँ पर आज मेहनत की। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद में दिखाई देंगी और उस वजह से आप अगले दिन नोट करके फिर से 8.5-9 घंटे 10 घंटे पढ़ पाओगे। तो ये कुछ बेसिक सा सीन होता है। उसके बाद में 11 बजे जनरली सो जाना चाहिए, सर्दियों का टाइम आ जाएगा तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा लेट नहीं जगना है, ठीक है। अभी जैसे जैसे आपका विंटर इकोनॉक्स हो गया है तो ऐसा माहौल आ जाएगा कि आपको रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे, दिन में टाइम पता नहीं लगेगा, तो उससे भी कई लोगों को एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, एंग्जाइटी होती है कि बस लेकर के बैठे कोई चीज़ एंड पूरा दिन निकल गया और रातें लंबी हो रही है, तो बहुत से लोग रात में पढ़ते हैं। तो उसमें पढ़ने का तरीका ये है कि आप बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपका बहुत कुछ बैकलॉग वगैरह छूट गया है, काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो आपने बीच में प्लान बनाया, लाइक आपने सैटरडे को प्लान बनाया कि या फ्राइडे नाइट में कि आप सैटरडे संडे में 2 दिन रात में जग के पढ़ूंगा, तो आपने फ्राइडे नाइट में प्लान बना करके सैटरडे को आप आराम से पढ़ते हो, देन पूरी रात आप जगे, देन दिन संडे को थोड़ा देर तक आराम से सो लो, देन उसके बाद में रात में फिर पढ़ लो। तो इस तरह से 2 दिन आप कर सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे मत करना, क्योंकि फिर उससे आपकी साइकिल जो है, जो पैटर्न है आपका, वो बन जाएगा और फिर होगा क्या कि जब सुबह आपकी उठने की आदत बिल्कुल भी नहीं होगी तो आपका दिमाग उसी तरह से हो जाएगा, फिर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दी दिखाई देगी, आपको जो जैकेट की जो पॉकेट्स होती हैं वो दिखाई देंगी, या जो भी यू नो जहाँ से भी आप अपने हाथों को गर्म कर सकते हो रख सकते हो, वो आप ट्राई करोगे कि बस मैं कैसे अपने हाथों को छुपा के रखूँ, ग्लव्स वगैरह आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत फील होगी और आपका हाथ और पेन चलेगा नहीं, आपका दिमाग तो वैसे भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपको ये लगेगा कि अरे 9:30-10 बजे के पहले तो मेरी सुबह ही नहीं होती है बिकॉज मैं घर पर 10 या 11 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, तो आपको पहले से माइंड मेकअप करके चलना है कि नहीं यार मेरा एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 है, तो मुझे 8:30 या 9 बजे तक एनी हाउ पहुँचना रहेगा एग्जाम पे, सो उस हिसाब से मैं पहले से ब्रेकफास्ट करूँ, उस टाइम पर मैं रेडी हो जाया करूँ, नो मैटर कितनी भी सर्दी है या कैसी सिचुएशन चल रही है। तो इस तरह से आप रात में भी कुछ कुछ दिन पढ़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हो। 11 बजे के आसपास जनरली सो जाओ, बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें आपकी हैं और आपको कंप्लीट करनी है तो मैक्सिमम 12, तो 12 करोगे तो फिर 12 से 7 सो, 7 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है। किसी किसी को अगर और ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है तो वो 8 घंटे की नींद भी ले सकता है। इस तरह से अगर आपने ये पूरा शेड्यूल बनाया तो आप देखोगे कि 9.5-9 घंटे की नींद जो है वो आप 9.5 घंटे की सॉरी आप पढ़ाई कर पा रहे हो, और इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, लाइक अगर आप 8 घंटे में ही एनफ है आपके लिए और आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा एनर्जी आप नहीं दे सकते हो तो आप 8 घंटे दो, अगर आप 10 या 10.5-11 घंटे भी दे सकते हो तो आप उतना दो, लेकिन जो एक आइडियल है मतलब जितने में आपका दिमाग एक्चुअल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रोडक्टिव पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें आप खुद से कुछ निकाल पा रहे हो, तो वो फिर 8 या 9 घंटे का ही होता है। 12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़ लोगे, मैक्सिमम 5 दिन पढ़ लोगे, बट ओवर द पीरियड नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 9.5 घंटे कर रहे हो या 8 घंटे कर रहे हो या 12 घंटे कर रहे हो, वॉट रियली मैटर्स इज कि आप डेली कितना कर रहे हो, ये मैटर करता है। डेली अगर आप 8 घंटे भी करोगे तो आप देखोगे आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, और डेली अगर आप 4 घंटे करोगे और आप देखोगे कि
आपकी तब भी काफ़ी चीज़ें रह जा रही हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ्री हो पूरे दिन, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, तो आपको एनी हाउ 8 घंटे पढ़ना है और इससे बर्नआउट नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ते हैं, बट 4 दिन के बाद में फिर वो 6 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। फिर उनका यही होता है यार पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है यार, सब हालचाल बढ़िया है, बढ़िया खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया सब चीज़ें चल रही हैं, माइंड भी फ्रेश है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी यार मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। वो मन नहीं करेगा आपका इसलिए बिकॉज आपने 5 दिन 12 घंटे 14 घंटे खुद को रगड़ लिया। अब आपका दिमाग रेस्ट चाहता है और दिमाग आपका रेस्ट चाहेगा, तो उसको मैनिपुलेट करना है आपको छोटे छोटे रेस्ट से, बट डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़िए, अच्छा खासा रेस्ट लीजिए। आप देखिए इसमें मैंने कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जिसमें आपको ये लगे कि बहुत स्ट्रिंजेंट शेड्यूल है। तो खुद के दिमाग को पढ़ के समझ के क्या चीज़ें आपके लिए सूट करती हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं, क्या खाने से, क्या पीने से, क्या करने से आपकी एनर्जी बची रहती है, क्या करने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये एक मोटा मोटा है, लेकिन हाँ आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए। इतना आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए और आपने इतना इसको सीखा है।